नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ज्योति कुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक, प्राणी दो प्रकार के होते, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। प्रारंभ में हर प्राणी अप्रशिक्षित होता है, फिर कुछ प्राणी प्रशिक्षित हो जाते हैं, किए जाते हैं। प्रशिक्षित प्राणी का व्यवहार एक प्रकार का होता है और अप्रशिक्षित का व्यवहार दूसरी प्रकार का होता है। अप्रशिक्षित को राजस्थान में अनाड़ी भी कहते हैं, अनाड़ी आदमी, और प्रशिक्षित होता है तो वह अनाड़ीपन चला जाता है। हाथी, घोड़े, बंदर, तोते, मैना, यानी पक्षी और पशु प्रशिक्षित होते हैं, एक प्रकार का व्यवहार करते हैं और प्रशिक्षित प्राणी का मूल्य भी बढ़ जाता है। एक जंगली तोते का जो मूल्य होता है उससे ज्यादा मूल्य होता है एक प्रशिक्षित तोते का। हाथी और घोड़े बहुत प्रशिक्षित होते हैं और बहुत अच्छे कर्तव्य दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं हाथी, अभिवादन करते हैं और भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। और एक प्रशिक्षित बांदर या भालू आता है, सैकड़ों लोग देखने लग जाते हैं उनके कर्तव्यों को। तो प्रशिक्षण से एक विशेष शक्ति जागृत होती है। हमारी चित्त की तीन अवस्थाएं होती हैं, व्यग्र, एकाग्र और शांत। पहली अवस्था है व्यग्रता की, दूसरी एकाग्रता की और तीसरी शांत। व्यग्र का अर्थ होता है अनेक विचार, अनेक विकल्प। एकाग्र का अर्थ होता है एक विकल्प और शांत अवस्था का अर्थ है निर्विकल्प। निर्विकल्प एक कार्य में अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। एक काम करने बैठता है, एक प्रकार का विचार करना चाहिए पर बीच में इतने विचार आ जाते हैं कि विचारों का सिलसिला ही समाप्त हो जाता है। कार्य में भी एकाग्रता नहीं होती, व्यग्रता होती है। एक काम करना शुरू करता है, पूरा नहीं होता, बीच में दूसरा काम शुरू कर देता है, दूसरा पूरा नहीं होता, बीच में ही तीसरा काम शुरू कर देता है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, अपने जीवन में 900 निबंध लिखे होंगे विज्ञान पर एक भी पूरा नहीं। अगर एक भी पूरा करता तो शायद दुनिया का महान वैज्ञानिक होता, पर पूरा एक भी नहीं किया। हमने देखा है थली प्रदेश में, बीकानेर, पुराने बीकानेर राज्य में राजल देसर नाम का एक गांव, वहां एक कर्मचारी था, बड़ी विचित्र आदत थी। किसी सेठ ने कहा कि मेरी लड़की को रतनगढ़ पहुंचाना, अच्छा तैयार होकर आता। गया, दूसरा मिला और दूसरे ने कहा कि भाई घर में अभी आटा नहीं है, रसोई करने की जरूरत है, जल्दी है, आटा बाजार से ला दो। अच्छा जाता हूं, आटा लेने की तैयारी में लगा। तीसरा मिला और कोई काम कहा, कभी यह बहुत जरूरी काम है, अच्छा जाता हूं। पहले को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, अब लड़की को पहुंचाने वाला तो प्रतीक्षा करता ही रहे कि कब आएगा, पता ही नहीं। कोई भी कहता उसे स्वीकार कर लेता, पहला काम धरा का धरा रह जाता। यह हमारी व्यग्रता होती है।
चाहे चिंतन की व्यग्रता चाहे कार्य की व्यग्रता, एक काम को पूरा करना नहीं जानते, एक काम पर एकाग्र होना नहीं जानते। एक के बाद एक दूसरा विचार आता है, एक के बाद दूसरी प्रवृत्ति सामने आ जाती है और उसमें लग जाते हैं। काम पूरा नहीं होता, विचार पूरा नहीं होता, चिंतन पूरा नहीं होता, यह असफलता का सबसे बड़ा कारण। मनुष्य असफल कैसे हो सकता है? इतनी क्षमता है मनुष्य में कि वह जीवन में असफल क्यों हो और कैसे हो यह बात समझ में भी नहीं आती, किंतु असफलता के पीछे एक ऐसा चक्र घूम रहा है, उस चक्र को जब तक समाप्त नहीं किया जाता तब तक सफलता की बात नहीं हो सकती। अगर कोई पूछे कि सफलता का रहस्य क्या है तो शायद उत्तर देना कठिन हो सकता है, पर यदि कोई ये बात पूछे कि असफलता कैसे होती है तो बहुत सीधा उत्तर है कि व्यग्र बनो और असफल हो जाओ। कोई कठिनाई नहीं, सीधा उत्तर है, निश्चित उत्तर है कि चिंतन की व्यग्रता और प्रवृत्ति की व्यग्रता, अनेक विकल्प और अनेक कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित असफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो एक बात पर टिकना नहीं जानता जब तक कि वह बात पूरी न हो जाए, एक कार्य पर टिकना नहीं जानता जब तक कि वह कार्य पूरा न हो जाए, कैसे सफल हो सकता है? आज व्यापारी बना, दुकान खोली और 5 दिन बाद दुकान को बंद किया, पढ़ने चला गया, 5 दिन बाद पढ़ाई छोड़ दी और किसी नौकरी में चला गया, 5 दिन बाद नौकरी छोड़ दी किसी और काम में लग गया, कैसे सफल हो सकता है? सफल होने के लिए एक दिशा का चुनाव करना होता है, निश्चित विचार करना होता है, निश्चित दिशा का चुनाव और निश्चित प्रस्थान करना होता है। तो हमारी एक अवस्था होती है व्यग्रता की, और इस अवस्था से ग्रस्त लोग बहुत हैं। पागलखाने में वे लोग ही ज्यादा जाते हैं जो व्यग्र होते हैं। मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले अमेरिका में 5 लाख से अधिक देश केवल पागलों के लिए तैयार हैं। बहुत पागलपन है और इसका कारण भी है कि वहां तनाव बहुत, और जब मस्तिष्क में तनाव होगा तो हम किसी बात पर टिक नहीं पाएंगे। इतनी चंचलता बढ़ जाती है कि कहीं भी स्थिर रहना, रुकना नहीं जानते। रुकने की बात बड़ी कठिन होती है, रुकना हम जानते ही नहीं। एक साधक जा रहा था, डाकू मिला, सोचा कि कोई राहगीर जा रहा है, कुछ पास में होगा, लूट लूं। आया, आकर बोला, ओ यात्री रुको। बहुत बड़ा साधक था, सन्यासी, उसने कहा मैं तो रुका हुआ हूं, तुम देखो अपने आप को, तुम रुको जरा, मैं तो ठहरा हुआ हूं, रुका हुआ हूं। एकदम उत्तर देते ही देखने लग गया कि क्या बात है। आज मैं कहीं रुकना नहीं जानता, हमेशा ये प्रवृत्ति का चक्र हमारा चलता रहता है और इससे हमारी बहुत शक्तियां खर्च होती है। ये एक है व्यग्रता की अवस्था। अब दूसरी अवस्था है एकाग्रता की। जिन लोगों ने इस स्थिति को समझा है, व्यग्रता के परिणामों को समझा है, उससे होने वाली हानियों को समझा है, उन्होंने एक विकास किया और वह विकास हुआ एकाग्रता का, यानी एक विकल्प पर, एक विचार पर लंबे समय तक रहना और एक प्रवृत्ति पर तब तक रहना जब तक कि वह प्रवृत्ति संपन्न न हो जाए। यह दूसरी एकाग्रता की अवस्था है। एक ही विकल्प ले लिया और उस विकल्प पर 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट
आदमी टिका रहा, एकाग्रता हो गई। एक कोई कार्य लिया और उस कार्य पर जब तक कि वह कार्य पूरा न हो जाए उस कार्य पर लगा रहा। कठिन बहुत होता है एक विकल्प पर टिकना। हमारी ऐसी स्थिति है, एक विकल्प पर, एक कल्पना पर, एक चिंतन पर और एक स्मृति पर टिकने की बात होती है। बीच में इतने विकल्प आ जाते हैं कि अभ्यास के बिना, प्रयोग के बिना यह कभी सिद्ध नहीं होता। गमन योग करना है, केवल चलना है, पर चलने की क्रिया है, चलने का विकल्प लिया है, संकल्प लिया है, पर चलते चलते तो कितने विचार आ जाते हैं। लिखने बैठे, लिखना है पर लिखते लिखते दूसरे कितने विचार आ जाते हैं। बहुत कठिन बात है, एक श्वास को देखना है पर श्वास को देखते देखते कितने विचार और कितने विकल्प आ जाते हैं। ये विकल्पों का जो सिलसिला चलता है तो नहीं पाते, ये एक सामान्य बात है, स्वाभाविक है हर व्यक्ति के लिए। किंतु वे व्यक्ति जो अभ्यास के द्वारा चेतना की ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं कि एक विकल्प पर रहना सीख जाते हैं, तो हमारी चित्त की दूसरी अवस्था बनती है एकाग्रता।